हिप्नोटिक ड्रग्स पता है आपको, जो स्लीप इंड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं या नींद आने के लिए दिए जाते हैं। तो ये ड्रग जब भी केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है कि ऐसे अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो वही ड्रग अप्रूव होगा या अच्छा माना जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे आपको स्पेसिफिकली आपको तो कुछ नहीं पता, आपको तो सिर्फ ये चाहिए कि आपको नींद आनी चाहिए, बट अदर वेज में अगर थिंक किया जाए तो इसमें जैसे कि स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब आप नींद आने के लिए ले रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए कि आपको इसके साथ साथ कोई और भी, जैसे आपको कोई वोमिटिंग होने लगी या और भी कुछ चीज़ें होने लगी, तो स्पेसिफिक आना चाहिए। नींद आने के लिए ले रहे हो तो बस उससे नींद ही आनी चाहिए और दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा है रैपिड एब्जॉर्प्शन। जैसे क्या होता है कि अगर वो जैसे जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो ब्लड में आएगा, फिर वहाँ जल्दी से जल्दी ब्रेन पे एक्ट करेगा और जल्दी से जल्दी आपको नींद आएगी। अगर रैपिड एब्जॉर्प्शन नहीं है तो नींद आने में अल्टीमेटली टाइम लगेगा, क्योंकि वो ड्रग अल्टीमेटली जाना चाहिए ब्रेन में। थर्ड क्या है, रैपिड स्लीप इंडक्शन। तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा तो जल्दी नींद भी आएगी, क्योंकि मैं अगर स्लीपिंग पिल ले रही हूँ तो इसलिए ले रही हूँ, सपोज़ कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी नींद आ जाए। जैसे कुछ कुछ लोग चार चार पाँच पाँच घंटे तक बस पड़े रहते हैं बट उनको नींद नहीं आती है, तो इसलिए ये ड्रग में ये खासियत होनी चाहिए कि इसको लेने के बाद पर्सन को जल्दी से जल्दी नींद आए। नेक्स्ट है नो रेसिडुअल इफ़ेक्ट, मतलब जैसे सुबह उठने के बाद हमें जैसे किसी को हैंगओवर होने लगा या कुछ और ही प्रॉब्लम होने लगी, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम होता है स्लिप उठने के बाद हमें, जैसे कुछ लोगों को हेडेक होने लगता है कुछ मेडिकेशंस लेने के बाद, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंड्यूसिंग ऑफ नॉर्मल स्लिप पैटर्न। नॉर्मल स्लिप पैटर्न क्या होता है, 4 स्टेजेस होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट, तो ये सब प्रॉपर, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम स्लिप जब नींद में होते हैं तो हमारा जस्ट क्या होता है, ब्रीदिंग थोड़ा रेट कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, तो रिलैक्स होता है, बॉडी रिलैक्स होती है। तो अगर हम ऐसे नहीं कर, मतलब ये कंडीशन नहीं होती है तो नॉर्मल स्लीप पैटर्न नहीं रहेगा वो, और उससे और भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग थ्रू द नाइट, मतलब जनरली स्लीपिंग पिल्स हमें जनरली लोगों को, जनरली क्या, सब लोग रात को ही सोते हैं, तो रात को ये मेडिकेशंस यूज़ होनी चाहिए, क्यों मतलब यूज़ में या वर्क करना चाहिए उन मेडिकेशंस में, क्योंकि जैसे हम दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रात को जब नींद हम लेने जाते हैं तो नींद आनी चाहिए, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट है नो अटैक्सिक इफ़ेक्ट्स। अटैक्स या मतलब ये साइंटिफिक टर्म है जिसमें आपके बॉडी के मूवमेंट नहीं होते, तो ऐसी नींद भी ना आए कि जैसे आपको बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है इंसान, जो मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा है, इतनी गहरी या इतना, मतलब ऐसी कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है नो इंटरेक्शन विद अदर ड्रग्स और अल्कोहल। तो जनरली लोग बहुत सारे, सपोज़ किसी को डायबिटीज़ है, किसी को और कोई बीमारी है, तो वो लोग अदर मेडिकेशंस भी ले रहे होते हैं, तो आपने अगर साइमल्टेनियसली नींद आने की दवाई भी ली तो वो चीज़ सपोज़ उसके साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, तो दोनों पता चले दोनों का इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है या कुछ और ही साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसलिए ये होता है कि, या कुछ लोगों को रोज़ ड्रिंक करने की आदत होती है, तो ये मेडिकेशंस किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए। तो इसके बारे में देखते हैं हम कि आइडियल हिप्नोटिक ड्रग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। आइडियल हिप्नोटिक वुड इंटीग्रेट द फॉलोइंग फीचर्स, स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रैपिड एब्जॉर्प्शन, रैपिड स्लीप इंडक्शन, नो रेसिडुअल इफेक्ट, इंड्यूसिंग ऑफ नॉर्मल स्लीप पैटर्न, वर्किंग थ्रू द नाइट, नो अटैक्सिक इफेक्ट्स, नो इंटरेक्शन विथ अदर ड्रग्स और अल्कोहल।